हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और बड़ी से बनी एक आसान से वेज रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम कर ले और उसमें 10 से 15 पीसेस के डंपलिंग्स जो है, जिसको हम बड़ी बोलते हैं, उसको फ्राई कर ले। यहाँ पे जो मैंने बड़ी यूज़ किया है, ये मोस्टली उड़द दाल और पम्पकिन से बना हुआ है, जो कि मेरी मॉम ने भेजा था। अब ये क्रिस्पी हो गया है, अब इसको साइड में रख लें अलग से। उसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लें और उसको गरम करें अच्छे से। उसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स डाल दें और 2 ऑनियंस अच्छे से कटे हुए। उसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल दें, 2 मीडियम साइज चॉप्ड टमाटोज डाल दें और अच्छे से उसको सॉटे करें। अब देखिए थोड़ा ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल लें और उसमें हम 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स एंड गार्लिक क्लोव्स का पेस्ट लें और उसको अच्छे से बॉईल कर लें। अब ये अच्छे से बॉईल होने के बाद इसमें डंपलिंग्स डाल दें, फिर इसमें बॉइल्ड पोटैटोज डाल दें, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। फिर उसमें 2 कप पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दीजिए। अब लास्ट में इसमें गरम मसाला और सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और 5 मिनट तक ऐसे कुक कीजिए। अब हमारी वेज रेसिपी तैयार है, तो गरम गरम सर्व कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।